अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले, अगर आज अब मेरे माइक से पीछे शोर आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ना रात का टाइम है, लेकिन पिंडी में ना लाइक बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो फन टाइम आया हुआ तो शोर आ रहा है। यस, तो शोर इग्नोर करना। बाकी हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे और आज हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ना कि बस आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि जब कोई दे तुझे पीक तो ओके, अटक गया मैं, बेइज्जती सी हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब कोई दे तुझे पीक तो ओम से उसके सर का ढक्कन खोल, वाह 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 वाह। जब कोई दे तुझे पीक तो ओम से उसके सर का ढक्कन खोल, आज एनोनिमस करेगा अपने जैसे नूब एनिमस को ट्रोल। सस्ती शायरी, खराब शायरी, उल्टी सीधी शायरी, बकवास शायरी विद एनोनिमस। बाबा जी, आपने गाइस बिल्कुल ठीक सुना। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि आपके लिए कंटेंट ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मैं हमेशा गेम प्ले रश किया, बाबा जी मौत कुछ हुआ, टक टक टक, ये सब सुनते रहते हो आप, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा चेंज करें। अब मैंने फैसला किया कि संडे के संडे, एवरी संडे हम लोग ना ट्रोलिंग वीडियोज़ लाइक करेंगे। अभी तो ये स्टार्ट है, मैं नॉर्मल स्टार्ट दे रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आपको वाकई में चेंजिंग नज़र आएगी। वीडियो पूरी देखना, और स्टन ग्रेनेड्स और ऐसे करके हम लोग एनिमीज़ को करेंगे ट्रोल। और अगर इस वीडियो पे 70,000 लाइक्स आए पब्लिक अगली वीडियो आने से पहले पहले, तो आई प्रॉमिस मैं हर संडे ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। लेकिन नहीं आए तो मतलब मैं समझ जाऊँगा ये सीरीज़ फ्लॉप हो चुकी है और ये आखिरी वीडियो होगी इस सीरीज़ की। लेकिन अगर आपने 70,000 लाइक्स कर दिए पब्लिक, तो हर संडे आपको ये ट्रोलिंग वीडियोस देखने को मिला करेंगी। तो यहाँ पे मैं उतरा था, ये गैस सबसे मतलब मैं खेल रहा हूँ एशिया में सोलो, ताकि मेरा रैंक ना हो और मज़े मज़े की एनिमीज़ आएँ और फिर हम उनको मीम्स लगा के और फनी तरीके से करें ट्रोल बाबा जी। तो मैं रोज़ा को उतरा था, मतलब पिशावर, और यहाँ पे कुछ हमारे नूब एनिमीज़ आए थे, एनोनिमस की तरह एकदम नूब थे वो, और फिर एनोनिमस अपने अपने ऐसे एनिमीज़ को ढूंढने की कोशिश तलाश में निकला और यहाँ पे हमें भाई नज़र आए। और फिर हमने भाई पे दो तीन गोलियां मारी और ये भाई तो ना मतलब बिल्कुल ही एनोनिमस जैसे थे, आपके एनोनिमस जैसे था बिल्कुल ये भाई। उनको ट्रोल करने में क्या तो मज़ा आया, हमें भी बहुत मज़ा आया ट्रोल करने में, और आपको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। और फिर हमने विंडो से देखा, हमें भाई नज़र आ रहे थे ऊपर की तरफ, आह हा हा, हाय 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 हाय, वाह जी वाह। और यहाँ ना मुझे कुछ बोलना चाहिए, लाइक भाई सोच रहा होगा कि M16 से लॉबी को खाली कर दूंगा। और फिर मेरा भाई जिसने अपना कच्छा नहीं पहन रखा था, अंडरवेयर पहना हुआ था, वो भी इतना बम से इतना चिपका हुआ था ना। फिर गाइस यहाँ पे रियल बंदे आ गए कुछ, और ये मैंने सोचा था कि एक ही बंदे को ट्रोल करूँगा, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लाइक ये कहते हैं ना थोड़ा प्रो टाइप लग रहा था, तो मैंने इसको कहा इसको मार देता हूँ ताकि हमारी गेम ना ख़राब करे। अब एक टाइम में गाइस एक को ट्रोल कर सकते हैं, तो ये दूसरे भैया इनको भी मारेंगे, सिर्फ एक ही बंदे को ट्रोल करेंगे, तो शायद हमारे बाबू भैया बॉट भैया हैं। और अगर मैं दो तीन बंदे फिर कन्फ्यूजन होते हैं मुझे मार भी देता हूँ, यहाँ के तो गाइस ज़िंदगी खतरे में आ गई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। हमने फौरन से लगा दी पीछे दुड़की और हम यहाँ जाके वेट करने लगे। लाइक कच्चा पहन के गाइस इतना फनी लग रहा था ये बंदा, M16 उठा रखी इसने, आंखों में बदला लेने का जोश, काट डालूंगा। अर्तुगरुल देख के, अर्तुगरुल गाजी देख के मेरा भाई हमें पबजी में मारने आया था, हमने पैन उठा लिया, लूट कर ली क्रेट की। अबे साले, भाई की सूखी सूखी टांगे, उन पे चिपका हुआ कच्चा इतना फनी लग रहा था ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसे अभी तो लाइक उस पर भी मैंने एक मीम बनाई थी, बहुत मज़े किया। और ना ऐसे गाइस मैं तो चाहता हूँ आपको कुछ अलग देखने को मिले, तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस वीडियो को, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक्स वगैरह करवाना अपने फ्रेंड से दोस्तों से, और इंशाल्लाह ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी बाबा जी। ऐसे थोड़ी होता है, एनोनिमस पब्लिक हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। हेलो, हाय। और इसके बाद भाई हमें सल्यूट कर रहे थे जिनको हमने स्टन ग्रेनेड मारा, लाइक ये तो बहुत ही एक गर्ल, वो ईद पे ना वैड़े, लाइक हम लोग वैड़ा बोलते हैं यहाँ पे रावलपिंडी की ज़बान में वैड़ा, तो रावल यहाँ पे ना जब बड़ी ईद आती है ना, कुछ वैड़े जो होते हैं ना बहुत ही लाइक मचलने वाले होते हैं, एकदम ख़तरनाक गुस्सैल गुस्से वाले, और कुछ वैड़े जो होते हैं ना वो एकदम लाइक मासूम टाइप होते हैं। तो अब मैं उसकी एग्जांपल आपको यहाँ देता हूँ, ये जो हमारा एनिमी है ना ये बहुत ही मासूम टाइप था, लाइक कोई गुस्से वाला नहीं, बिल्कुल प्यार से, और लाइक ये बॉट भी नहीं था, है भी रियल, क्योंकि ये बाइक चला के लाया था आपके सामने, और बॉट वगैरह गाड़ी वगैरह नहीं चलाते, और ये है भी रियल।
तो ये बहुत ही ना मासूम सा था, उसको ट्रोल करने में मज़ा ही बहुत आ रहा था। अगर कोई गुस्सैल होता ना वो भाई पीट देता हमें। तो यब काफ़ी देर में अपने भाई से यहाँ पे मस्ती वगैरह करता रहा स्क्वाड्स में, और फिर मैं टीपी पे लेने लगा। अब मुझे मारना भी था और भी एनिमीज ढूंढने थे, तो मैं चाह रहा था बस जल्दी से हमारे भाई को ऐसी फ़नी फ़नी चीज़ें करें कि हम अपनी पब्लिक के लिए कर लें रिकॉर्ड। तो फिर मैं घूम के अंदर आ गया, बेचारा गुस्सा बड़ा आ रहा होगा इसको। काट डालूंगा M16 से तेरे पिछवाड़े में गोली। ओ भाई डरा दिया, अचानक से यहाँ खड़ा था डर गया मैं। फिर मैं फ़ौरन से भागता हूँ ऊपर, बाबा जी जिंदगी खतरे में आ गई, डरा दिया भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं वो खड़े हैं। हाँ हाँ गैस, कितना वैसे ईमानदार से कितना फनी लग रहा है ना, चिपका हुआ कच्चा Level 1 का हेलमेट, M16 हाथ में पकड़ी हुई है और सिर्फ शर्ट पहन रखी, पैंट तो है नहीं। वाह जी वाह जी वाह, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या लाओ। तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं अनाउंस करता रहता हूँ कि क्या करना है, कब करना है, सीरीज़ आएगी नहीं आएगी, तो मैं इंस्टाग्राम पे बताता रहता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर देना। और यहाँ एक फ़नी सी मीम आने वाली है, तो मैं चुप करता हूँ। आप ये मीम देखो, क्या सूट की थी मीम यहाँ पे। अबे साले, लॉल, मेरे को लगा भाई हमें यहाँ पे स्पॉट नहीं कर पाएंगे, पर भाई हमारे थोड़े चल्लाक हैं, इतने भी मासूम नहीं है, कैसे देख लिया। और M16 से टप 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 आ गया नीचे जम करके। यहीं था ये, छोड़ूंगा नहीं इसको, कितना घुमा रहा है मुझे, इसके पिछवाड़े में गोलियां मार के इसका क्रेट लूटूंगा मैं, ऐसा कुछ बोल रहा था मेरा भाई। फिर भाई जो है यहाँ से भागने की ट्राई करते हैं थक हार के आखिरकार, और फिर हमें मजबूरन भाई को मारना पड़ता है। अब बेचारा एक ही गोली में मर जाता है, मुझे लगा लो होगा वापस आएगा, बट वो बेचारा मर ही जाता है। फिर गाइस हमने यहाँ से दौड़ के लगाई, पहुँचे स्कूल, और स्कूल में एक चल्लाक लोमड़ी, एक ख़तरनाक चल्लाक लौंडा लड़का हमारा कर रहा था इंतजार। लेकिन वो बिल्कुल ट्रोल वाला नहीं था, वो काफ़ी अच्छा खेल रहा था। और ऐसे जब आप ट्रोल कर रहे हो सामने से अच्छी एनिमी आ जाता है, तो आपकी बैंड बज जाती है। तो हम आ गए थे छत पे, यहाँ पे मैं कर रहा था इसका वेट। क्या तो नेड़ फेंका गाइस इसने, जिंदगी कितना चल्लाक है वाकई में। जब मुझे ऐसा नेड़ आया ना, मेरी मतलब जिंदगी खतरे में आ गई एकदम से, जो है ना बस वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गया, मैं वहां से भाग गया फौरन से। तो हमारे भाई यहाँ पे एक के हम लेके कर रहे थे रश, और हमने डेजर्ट टाइगर ईगल से मार दिया, जो कि बहुत ही पावरफुल, बहुत पावरफुल पिस्टल है गाइस ये। और फिर हमने इनकी की मजे से लूट, और फिर हम लूट करने के बाद नीचे की तरफ जाऊँगा, जहाँ पे हमारे एक बाबू भैया इंतजार कर रहे होंगे। हमारे बाबू भैया नीचे थे, मुझे लगा ये अगर प्लेयर होगा तो इसको मारता हूँ, बट ये प्लेयर नहीं था, ये बाबू भैया थे। बाबू भैया को क्या ट्रोल करें हम, तो बाबू भैया को हमने यहाँ पे मारा। उसके बाद क्रेट लूटेंगे बाबू भैया की, उठाएंगे बाइक और एनिमीज की तलाश में निकलेंगे। और अभी शहरी का टाइम है, मेरी चाय ठंडी हो रही है और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देख लो बस कितना प्यार है हमें आपसे पब्लिक, चाय ठंडी कर रहा हूँ मैं, मतलब वॉइस ओवर हो जाए उसके बाद आराम से चाय पीते हैं। बट जितनी लंबी वीडियो ना, मुझे लग रहा है वाकई में मेरी चाय ठंडी हो ही जानी है। तो समटाइम मैं चुप कर जाऊँगा और फिर मैं चाय पीता रहूँगा, और फिर आप वीडियो देखते रहना बाबा जी। और यहाँ पे एक और मीम आने वाली है, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। तो बाकी इतना तो मैं कह सकता हूँ गाइस कि इस नई सीरीज से ना आप लोग अभी एक तो पहले से वीडियो का वेट कर रहे थे, और आपको ज़रा आइडिया नहीं था कि आपको यहाँ पे शॉक लगने वाला है, और आप हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो रोजे में भी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर गाइस मैं गाड़ी लेके यहाँ पर आ गया था, यहाँ पे एक बंदा उजी से किसी को मारा था, तो मैं यहाँ रोका, और यहाँ मेरी ऐसी बेइज्जती, इतनी गंदी बेइज्जती तो मेरी गाइस कभी भी नहीं हुई।
लाइक घर में नहीं हुई इतनी गंदी बेइज्जती तो जितनी यहाँ हो गई। गैस के नहीं रहा है कि एनिमी आएगा और मारूंगा, यहाँ बस मेरी बेइज्जती होने वाली है। आप मेरी बेइज्जती देख के चुप करके आप और हम थोड़ा सा शर्मिंदा होते हैं। मैं निकला ओ गड्डी लेके, सच में गाइस बड़ी बेइज्जती सी हो गई थी। और यहाँ पे ड्रॉप पे हो रही थी लेफ्ट में घरों पे फाइट, तो पहले मैंने देखा है बंदे हैं, गाड़ी वाड़ी बगी वगी खड़ी हुई है, तो हमने साइड पे अपनी गाड़ी रोक दी और सोचा यहाँ पे जाके थोड़ा सा मीम कंटेंट उठाने की कोशिश करते हैं। और जिंदगी भी खतरे में थी, ऊपर से रेड जोन भी था और समझ नहीं आ रही थी कि रियल हैं बॉट हैं कहाँ हैं, क्योंकि अभी लेफ्ट से भी बगी का साउंड आया था थोड़ा सा। और फिर मैंने यहाँ पे नेट निकाला और मैं चाह रहा था कि नेट से मारूं तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा। हमने नेट निकालो यहाँ कि बिल्कुल भाई ने साउंड नहीं दिया, एकदम कैंपिंग लेवल 99 चल रहा है और क्रेट पड़ी हुई, तो मैं पहले ही डर गया। मैंने कहा भाई नहीं, जिंदगी खतरे में आ जाएगी। भाई साहब इसने उसी बंदे को ऐसे ही मारा गाइस यहाँ पे लेट के कैंपिंग करके। और यहाँ पे भाई को मैंने स्पॉट किया और इसमें फ्यूल नहीं था, तो पीछे मैंने मोड़, मैं मतलब फ्यूल करने के लिए जा रहा था, फिर मुझे नजर आई बगी। मैंने कहा फ्यूल क्यों करें, गैस कैन बचाते हैं, बगी उठा के जाते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी क्रेट पड़ा हुआ है तो कैंपिंग लेवल 999 कर रहे थे हमारे भाई वहाँ पे ऊपर सांप बने हुए हैं। सनेक सनेक पबजी के डेंजरस सनेक। It was at this moment that he knew he fucked up. बेइज्जती नहीं होगी गाइस, है ना? गाइस बारिश शुरू हो गई है और ऊपर से मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, तो मैं चाय पीता हूँ और साथ साथ आप वीडियो एंजॉय करो, साथ साथ हम हल्की हल्की कमेंट्री करके अपनी शायरी भी कंप्लीट करते हैं ना। चाय पी लूँ मैं। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। तो यहाँ पे गाइस क्या तो मारा इस बंदे ने, अच्छा खेला था इसने, पहले भी एक दो पाकिस्तानी बंदे मारे थे तो हमारी जिंदगी खतरे में आ गई थी। और फिर मैं एक ही स्टन में ज़्यादा इसको ट्रोल नहीं किया, फिर इसको किया बाबा जी फिनिश और दिया अपने टीममेट को रिवाइव। उसके बाद गाइस छत पे चला गया मैं, जहाँ पे ऑलरेडी एक फाइट हो रही थी साइड पे। पहले लूट कर लेना, क्रेट तो चेक करनी पड़ेगी। और फिर साइड पे हो रही थी फाइट, तो बेचारे का किल चुराया मैंने। और यहाँ पे कुछ फनी लगाना चाहता था बट मैं नहीं लगाया क्योंकि साफ नज़र नहीं आ रहा था, वो जूम करता तो फट जाती पिक्चर काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद बाबा जी हमें जाना है जोन में, अभी आप देख सकते हैं। तो जोन बना था काफ़ी साइड पे, यहाँ पर आके हमने स्मोक की बारिश की और सामने शैक पे एक बंदा ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा है। ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी क्योंकि भाई के पास है M249 और शायद में ग्रोज़ा भी है, तो काफ़ी ज़िंदगी खतरे में आ गई थी हमारी यहाँ पे। और हमारी चाय भी बड़े मज़े की हो रही है, अगर आपने चाय पी नहीं तो प्लीज़ आ चाहिए, हम आपको चाय पिलाएँ। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक आपका रोज़ा होगा, तो सॉरी हम नहीं पिला सकते आपको चाय। हमें स्मोक करके आगे चला गया और यहाँ पे भी एक फ़नी वाली मीम आने वाली, तो हम चुप कर जाते हैं। आप चाय थोड़ी एक दो चाय की सिप ले लें, आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए ये वाली मीम पब्लिक। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। फिर मैं पैन से मारने लगा भाई को, लेकिन भाई बड़ी जल्दी होश में आ गया, ऊपर से भाई अच्छे प्लेयर भी थे, तो भाई ने हमारी बैंड बजा दी। और फिर हमारे टीममेट को बोला बचाओ प्लीज बचा लो मर जाएंगे, फिर बचा लिया गए हम और फिर हमें मिलेगा रिवाइव। और ऐसी हमारी ज़िंदगी काफ़ी ख़तरे में आने के बाद बच जाती है। और गाइस ये चीज़ आपने देखा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको टिप देते चलूँ, ऐसे कभी भी रिवाइव मत दो। मेरी टीममेट देखा सर बाहर चला गया था, फिर फौरन से मना किया, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ग्लिच होती है और उस पर गोली लगती है तो आप मर जाओगे, आपको डैमेज होगा। तो इसलिए फौरन से मैंने बोला भाई सर अंदर करो वरना ना अपना बैंड बच जाएगा यहाँ पे। फिर हमने हील की और फिर बूस्टर्स मारेंगे और जोन जो है ना गाइस वो भी हम पे से जाने वाला है, सामने की तरफ मूव कर जाएगा। और दो बंदे बचे हुए थे और दोनों सोलो सोलो हैं, ये काफ़ी अच्छी बात थी हमारे लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा हमने किया वेट और दूसरा मैंने देखा भाई मेरे पास सिर्फ पैन है
और स्मोक्स नहीं है, और लाजमी स्मोक्स चाहिए होंगे क्योंकि अभी तो नहीं, बट हाँ जब जोन शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कट कर दूंगा थोड़ा सा, तो जोन शिफ्ट होता है तो मुझे याद आता है कि अपने पास स्मोक नहीं है, सिर्फ नेड्स हैं मेरे पास और स्टन ग्रेनेड्स हैं। तो मैं पीछे आके इसकी क्रेट लूटूंगा भाई के जिसने हमें किया था नॉक, और यहाँ से उठाएंगे हम स्मोक। स्मोक उठाने के बाद हम स्मोक पूरे रोड पे फेंक देंगे स्मोक, और उसके बाद स्मोक स्मोक में से जाके जोन में लेट जाएंगे। फिर हमने एक स्मोक फेंका, फिर हमने दूसरा स्मोक फेंका जो वापस आ गया, फिर तीसरा फेंका जो हमारे टीममेट को लग के वापस आ गया। दो बार और बेइज्जती हो चुकी है हमारी, बट कोई बात नहीं है, तो मामूल की बात है, होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बेइज्जतियाँ होती रहती है। फिर हमने एक और स्मोक फेंका और फिर हम जाएंगे आगे। मैं ऐसे जा रहा था कि साउंड नहीं आएगा, बट ऐसे साउंड आ रहा था बाबा जी, पहले तो नहीं आता था बट अब आने लग गया शायद मैं तो, मतलब ये भी इन्होंने फिक्स कर दिया। तो उसके बाद गैस मुझे यहाँ पे साउंड आता है कि लेफ्ट पे कोई बंदा है, ये मतलब क्या, अभी नहीं आया था बट अचानक से आ जाता है कि लेफ्ट पे बंदा है। ओके अब आया था मुझे शायद से कि लेफ्ट पे बंदा है, तो मैंने एक नेड निकाला और रैंडमली वहाँ फेंक दिया, और आपने देखा ज़रा सा वो स्पॉट भी हुआ था बेचारा, और यहाँ पे बूम फट जाता है। अब बचे हैं आखिरी बंदे यहाँ पे जो बने हुए हैं, सांप स्नेक। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ? तो गैज़ ऐसे हमें मिला चिकन विनर डिनर डिनर बाबा जी। और फिर इतनी जल्दी तो हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है आपको मज़ा आ रहा है, तो इतनी जल्दी भाग जाएं तो फिर मतलब गलत हो गया ना, ये तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। फिर हम उतरे जॉर्जो की सिटी में, और इन बेचारों के साथ तो, इस बेचारे के साथ तो गलत ही सीन हो गया, चाइनीज़ था ये तो, चिंग मुंग चिंग चिंग मंग इसका नाम था। और फिर हमने एमओ एमओ उठा ली। अब आप कहोगे आपको इसका नाम कैसे पता, भाई हमें पता है इसका यही नाम है, आप गौर से पढ़ो आपको भी समझ लगेगी, इसका नाम यही था चिंग मुंग चिंग चिंग मैंग। मेरे साथ बोलो गाइस, चिंग मुंग चिंग चिंग मैंग, यस कमेंट भी करो चिंग मुंग चिंग चिंग मैंग। ओके तो भाई उसके बाद ऊपर बंदे थे गाइस, तो मैं स्टन ग्रेनेड लेके ऊपर की तरफ करूँगा रश, क्योंकि काफ़ी चिंग मुंग चिंग चिंग मैंग हो चुका है, और मैं बार बार सेम नाम देख लो बिना ख़राब किए बोल रहा हूँ, तो देख लो बस लॉल। और फिर गाइस उजी लेके मैं ऊपर रश करता, मुझे लगा कैंप ना कर रहा, लेकिन वो छत पे जब उनका साउंड आया, फिर हमने निकाल लिए सटन ग्रेनेड, फिर हम सटन ग्रेनेड निकाल के दरवाजे में से फेंकेंगे बाहर की तरफ, और फिर अंधे हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे माँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा माँ। तो वो उस साइड पे थे और कैंपिंग चल रही है, ये तो पक्का था। तो वो भाई चले गए नीचे, और यहाँ पे मेरे पास मुझे एक आइडिया आया कि मैं ना ऊपर चढ़ जाता हूँ, वो रिवाइव देगा तो नॉक कर दूंगा, बार बार रिवाइव देगा तो नॉक कर दूंगा। बट इनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, इनका टीममेट ने क्या किया, इनका टीममेट जब जरा देखेगा कि जब बंदे यहीं पर, ए भाई हम जब हम तुझे फिनिश नहीं कर रहे तो तू नीचे क्यों जा रहा है, ट्रोल करने दे, थोड़ी सी वीडियो बनाने दे, इतनी मुश्किल से वीडियो बनती है तो नीचे गिर रहा है अब। लेकिन ये नीचे गिरेगा, लेकिन इसका टीममेट जो है ना वो काफ़ी महान है, वो बेचारा ऊपर रिवाइव देने के लिए आएगा, वो दिखेगा नहीं कि टीममेट है कहाँ, भाई छत पे नॉक हुआ था, छत पे ही होगा बेचारा, आएगा बचाने के लिए, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा अर्जुन करण आ जाएगा बचाने के लिए, नीचे नॉक वाला चला गया, ये आ गया भाई साहब। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। फिर भाई साहब ने मेरे टीममेट को स्पॉट किया तो उनको मार देंगे, फिर हमने उनको बचाने के लिए इनको मार दिया यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा चलो भाई अब हमारे लिए फनी सी सिचुएशन क्रिएट कर गए, जो कि अच्छी बात थी। फिर हमने रिवाइव दिया, लेकिन जोन का डैमेज इतना ज़्यादा है कि जैसे जोन टच होगा डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइक बैंडेज लगा के भी फर्स्ट एड नहीं लगा पाए मेरे टीममेट, और इनका जो है ना यहीं पर खात्मा हो जाएगा, इनकी क्रिएट यहीं पर जो है ना वो छप जाएगी। और मैं तो विंडो से गया था, मुझे नहीं पता था कि दरवाज़ा ना बंद है, तो मैं तो आ गया, मुझे लगा बैंडेज लग के फर्स्ट एड लग जाएगा, बट बैंडेज लग के फर्स्ट एड नहीं लगा, दरवाज़ा भी बंद है, फिर इनका बचना यम पॉसिबल है, तो हमने इनको यम पॉसिबल है तो फिर हमने नहीं बचाया, हम भाग के जोन में आकर जाके शैक में बैठ गए। शायद बच भी जाते हैं बार बार रिवाइव दे दे के, बट मज़ा आता ना टीममेट को नॉक ऑन फिनिश होता देख के, क्या सुकून मिलता दिल को, आपके दिल को भी मिलता होगा, आई नो। तो उसके बाद गए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जंप कर रहा था कि ट्रोल करूँ, बट ये चाइनीज़ भाई इन्होंने कोई मीटअप का सीन नहीं बनाया हुआ था, एकदम खतरनाक।
एंगल ले लेके गाड़ी के नीचे से मुझे मार रहे हैं गाइस, इतने इतने वो हैं ये बड़े वो हैं। अब वो के ओके ये बड़े वो हैं, अब आप वो की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट एड लगाया और हम भागेंगे घर की तरफ, क्योंकि हम नहीं चाहते हम सैंडविच हो जाएं। 2v2v1 है और मैं अकेला बचा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी बैंड बच जाए। तो हम यहाँ पर आ गए, बंदा सामने था गाइस, तो मैंने एक स्मोक किया, उसको लगा नेड है बेचारा, वापस भाग जाएगा। और फिर हम करेंगे रस। दूसरे टीममेट को किसी और ने मार दिया, It was at this moment that he knew he fucked up. और यहाँ पे हमारी भी बैंड बज गई गाइस, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, मेरी कोई बुरी लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। और इस सीरीज के लिए इस वीडियो पे 70,000 लाइक्स कर दो गाइस। और प्लीज़ दुआ में याद रखना, रमज़ान है, क्या बता आपकी दुआ से आपका भाई और कामयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, इंशाल्लाह दुआएं चाहिए गाइस आपकी बस। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।